हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय पुरी जो है वहाँ का बीएड संस्कृत का क्वेश्चन पेपर जो है किस तरह से आता है। देखो यार, यहाँ का पैटर्न मुझे दूसरों के अलावा बहुत इजी लगा है, क्योंकि इसका जो पैटर्न है ये अभी देखोगे तो क्योंकि ज्यादा लिखने के लिए नहीं दिया गया। और एक बात और कि अन्य जगह जो है संस्कृत भाषा दक्षता जो व्याकरण का है 40 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप DU बीएड का या नव दिल्ली जो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का, उसमें भी अधिकतर 40 ही पूछा जाता है। परंतु यहाँ पे ना 60 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो यहाँ साइड में लिखा हुआ है, यहाँ पे ना 60 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और संस्कृत क्या कहते हैं जो वांग्मय वाला था उसको 20 कर दिया गया, अलग कर दिया गया है व्याकरण वाले से। जो सारी चीजें शिक्षणाभिरुचि में आती थी ना, वहां से 20 क्वेश्चन अलग ही इसमें पूछा जा रहा है। इससे क्या हुआ कि 20 क्वेश्चन इधर बढ़ गए, 20 इधर है, तो 200 मार्क्स का ही कोई कमी नहीं है इसमें, 200 मार्क्स का ही। पर क्या क्या पैटर्न थोड़ा अच्छा, जो लिखने के लिए देता था 40 नंबर का उसे हटा के यहाँ पे 20 नंबर का कर दिया, और बहुत बेहतरीन है इसका क्वेश्चन पेपर भी, बहुत ही सरल है। यहाँ देख सकते हो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा गया है दीर्घ संधि की उदाहरण। दीर्घ संधि का कौन होता है? दीर्घ संधि में हमेशा बड़ा उ होता है, ठीक है, अ का आ हो जाता है, ई का बड़ी हो जाता है, छोटा उ का बड़ा उ हो जाता है, ठीक है। तो भानुदय, अगर आप भानुदय तो पढ़ा ही होगा, जाहिर सी बात है अधिकतर जगह लिखा रहता है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, शांसी इत्यत्र क संधि, या इसका आंसर क्या हो जाएगा, समझ गए होंगे, अनुसार लगाया तो अनुसार, ठीक है। हरि प्लस एतौ इत्य संधि के यहाँ प्रकृति भाव हो जाएगा ये क्वेश्चन हरि प्लस एतौ यार बहुत बार पूछा गया है, इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने बनाया था उसमें भी पूछा गया है। देखो यार, यहाँ पर भी वही कहूंगा कि क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए, तभी आपका क्लियर होगा। आप ये सोचिए कि भाई अगर हम यही रट के चले जाएंगे 150 क्वेश्चन या 1000 क्वेश्चन करके चले जाएंगे, हो जाएगा, नहीं होगा। जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, अगर चिरंतनी बुक आपने नहीं लिया है तो जरूर ले लीजिएगा, और चैनल पे हमारे नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। देखो चौथा क्वेश्चन जो है, प्रधान एजते प्रेजते, ये तो सारी चीजें आप बना लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन जो पैटर्न है वही है पूरा, संधि विच्छेद लिंग वचन कारक वही सारी चीजें पूछा गया, समास पूछा गया, प्रत्यय पूछा गया, विभक्ति पूछा गया। देखो यहाँ कस्या विभक्ति कारकत्व नास्ति, षष्ठया यहाँ पे विभक्ति के, नवरात्र इत्य समास, देखो समास भी पूछा गया है। नवरात्र, नवरात्र का मतलब समझ रहे हो ना, हाँ, दीर्घ समास जिसमें क्या होता है संख्यावाचक होता है, जिसमें भी संख्या शुरुआत में लगी हुई। देखो जैसे नवरात्रि, ठीक है, यहाँ पे नव आ गया ना, तो हाँ इस तरह के जितना भी संख्या अगर आ जाए तो समझ लेना क्या है, दिव्य है, ठीक है। बहुविधि में भगवान को याद कर लेना, कर्मधारय में जाहिर सी बात है अलग अलग करने वाला आप समझ जाते हैं, द्वंद में आप तो और वाला समझ ही रहे हैं, ठीक है। देख सारी चीजें आप आपने अनुसार जब करेंगे, देखो उत्तर प्रधान पद, हाँ ये भी चीज है कि देख लेना यार उत्तर प्रधान पद कौन सा होता है, दोनों पद कौन से क्या प्रधान होते हैं, ये सारी चीजें आप देखोगे ना, पैटर्न बना के लिख लेना। मैंने इस पे शायद वीडियो बनाई हुई है, मुझे लगता है समास समास वाला, नहीं बनाई होगी तो मैं बना दूंगा, आप देख लीजिएगा, वहां से बहुत ही तत्पुरुष समास है इसमें, ठीक है। तो सारी क्वेश्चन जो है वही है व्याकरण के, 160 क्वेश्चन आ रहे थे। देखो पैटर्न, हम पैटर्न देखेंगे किस तरह से आ रहा है। देखो तो व्याकरण का 160 क्वेश्चन जो आते थे इसी तरह के, प्रत्यय होते, देखो प्रत्यय पूछ रखा है, पच धातु तो प्रत्यय रूपतम पक्वम हो गया, नी धातु लप लप प्रत्यय रूपम आनी हो जाएगा, ठीक है। तो प्रत्यय होते सारी चीजें पढ़े, अब मेन बात करते हैं। देखो यहाँ मानसिक योग्यता, मानसिक योग्यता में मैंने पहले भी बताया था कि जो रीजनिंग का पार्ट है वो बेहद अच्छे ढंग से करिएगा, बहुत सरल होता है। इसमें रिलेशन संबंध के लिए बताया जाता है, कभी कभी समय पूछ लिया जाता है, दिन पूछ लिया जाता है, कोई संख्या गायब हो जाती, कोई संख्या नेक्स्ट क्या होगी वो पूछा जाता है। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन है, देखें ये पूरा दिया हुआ है, इंग्लिश के लेटर दिया हुआ, शब्द दक्षिणता चतुर्था छरस्य वाम वामन वाम भागो पंचम वर्ण का भविष्य, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, एल हो जाएगा। देखो उत्तर और दक्षिण वाला ही अधिकतर पूछता है, ऊपर पूर्व वाला तो आप पूछ शुरुआत से या लास्ट से पूछेगा तो आप ही जानेंगे। उत्तर पद जहाँ पे वामन भागो वागो सारी चीज लिया होगा कि उत्तर से देखना है जोड़ना है या फिर दक्षिण से, ये चीजें ही थोड़ा आप इसमें क्या कहते हैं लेटर वाले में दिक्कत होती है, बाकी सब सही हो जाता। अंक वाला तो आप कर ही लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लीजिएगा इसको, ठीक है। क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन देखो बस यही कहना चाहूंगा, देखो जितने बीएड के क्वेश्चन है आप उनके पैटर्न समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, बस मैं इतना चाहता हूँ कि देखो यहाँ पे जब मैं बोल रहा था, ये देखो 75 वाला क्वेश्चन, देखो यहाँ पे मंगलवासर बुधवासर हुआ या क्या कौन सा हो रहा है, अंक वाला हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। यहाँ रिलेशन वाला भी पूछा जाता है कि आपकी भगनी होगी, माता होगी, पिता होगा, क्या उनसे क्या रिलेशन बना जा रहा है, यहाँ देखो एक्स वाई जेड करके भी किया गया है, तो ये सारी चीजें जो है देखो ये सब वही रिलेशन वाला, यहाँ पर भी कितने वर्ष का होंगे, ये रिलेशन वाले क्वेश्चन जो है आपको करने पड़ेंगे।
सारी चीजें आप करके देखिए। हाँ, और ये पिछले क्वेश्चन में जो जो पिछला क्वेश्चन पेपर मैंने बनाया था उसमें ये चीज नहीं दिखा था, क्योंकि उसमें सीधे सीधे दिया था, कहीं कहीं ये गोला दे देता है, पूछ देता कितने त्रिभुज है, कितने गोले हैं, कौन सा क्या कहाँ होना चाहिए, ये भी सारी चीजें यहाँ पे पूछा जा सकता है। यहाँ पे पर ए बी सी डी को यहाँ पे बता रखा है इसने, ठीक है, इसलिए ध्यान देना कि कौन सा क्या चीजें हैं। 1 और 8 पूछा जा रहा है कि चित्रे केवलम त्रिभुजे विद्यमान संख्या, त्रिभुज में केवल की कौन सी संख्या विद्यमान है। आपको देख रहे हो कि देखो जो 3 है 2 है 4 ये तो गोले में भी आ रहे हैं, परंतु 1 जो है सिर्फ त्रिभुज में आ रहा है, 8 जो है त्रिभुज में आ रहा था, 8 मार देना, ठीक है। केवल केवलम वर्तुले विद्यमान संख्या का, ठीक है, 239, ठीक है, 239 जो गोले में है, ठीक है। हाँ, इसी तरह से लगा लेना, बहुत ईजी है भाई, दो दो नंबर फिक्स हो जाएंगे 10-12 नंबर का। इसी तरह के भी इसके कितने क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। संस्कृत वांग में बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस का है, अगर इसमें से कम से कम 40 में से 35 से ऊपर मार्क्स आपके आने ही जरूरी हैं। वैसे यजुर्वेद, कतिविदासन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेदा, कृष्ण यजुर्वेद, आपको पता है ये द्विविधा है, ठीक है, यजुर्वेद कतिविदासंति है, ठीक है, शुल्क यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ये वाली है इसके शाखा। तो ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी और अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। कस्मिन वेदे यम यमी संवाद, अच्छा यम यमी संवाद वाला ऋग्वेद में है, आपको पता ही है, बृहद को बृहदारण्यक उपनिषद आपने पढ़ा होगा, तो ठीक है। हाँ, यम यमी संवाद सूक्त, उसमें पूर्वावरूषि का भी संवाद है, निरुक्तस्य नामांतरमस्ति किम निघट्टु, ठीक है, ये सारी चीजें देखो यार। छंदोग्योपनिषद संबंध किसका है, सामवेद से है। ये अलंकार, अलंकारिक विषय आना कस्मिन पुराणे, अग्नि पुराण में है। संस्कार कतिविदा संधि, 16 संस्कार होता है, नाम सुना होगा, 16 संस्कार, ये सारी चीजें आपको यार करनी ही पड़ जाएंगी। बहुत जय जय काव्यम रामायण में है, ठीक है, जय काव्यम इति कस्य महाकाव्यस्य नामांतरम अस्ति, जय काव्यम, मुझे जय तो महाभारत का मुझे लगता है नाम था, इसको देख एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। मुझे रामायण, मुझे लगता है कि हाँ महाभारत का पुराना नाम जय था, या काव्यम इति महाकाव्यस्य नामांतरम, जय काव्यम रामायण, एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा, इसको थोड़ा हो सकता है मिस्टेक हो गई हो, ठीक है। महाभारत कस्मिन पर्वणि भीष्म युधिष्ठिर प्रति राजधर, इसको भी आप याद देख लीजिए कौन से पर्व में आ रहा है, ये द्रोण पर्व में आ रहा है, शांति पर्व में, सभा पर्व में आ रहा है, इसीलिए बोला कि सभी चीजों को करना बहुत जरूरी है। मानसात प्रतिष्ठा हम रामायण का पहला श्लोक है, आपको पता ही होगा, 24,000 श्लोक है पहले में ही रामायण, आहत्य कति श्लोकासन 24,000, ठीक है। सांख्यकारिका सांख्य दर्शन का ही हो सकता है, अनुमान कथे पंच अनुमान है, पंचविध अनुमान, तर्क संग्रह का क्वेश्चन है, ठीक है। चतुर्विधा सच, देखो ये मैं जो मैं बोल रहा था ना, 20 नंबर बढ़ा दिया, 20 नंबर वाला की क्वेश्चन कर दिया गया, शिक्षा अभिरुचि का यही है। छात्राणाम वर्गीकरण करण से, छात्राणाम वर्गीकरण से आधारम कह समान बुद्धि, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत सिंपल है शिक्षण अभिरुचि के, ये भी क्वेश्चन मैं आगे बढ़ाता हूँ, इसको बस समझाने के लिए दिया गया। देखो पंचम खंड जो है सामान्य के, इससे देखो ये पैटर्न, इसलिए मैं इतना बता रहा हूँ, क्योंकि 250 क्वेश्चन ये करने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाए, बस मैं इतना बताना चाहता हूँ कि आप पैटर्न समझ लीजिए। 40-40 नंबर, 60 नंबर का कहाँ से आ रहा है, व्याकरण से आ रहा है, 20 नंबर का शिक्षण अभिरुचि, 40 नंबर का सामान्य ज्ञान से, सारी चीजें, 40 नंबर का आपका कहाँ से आ रहा है, वांग में से, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। भारत शांति पुरस्कार, शांति पुरस्कार लाल बहादुर शास्त्री को ही कहा जाता था, ठीक है। उच्चतम न्यायालय से आदर्श वाक्यम किम यतो धर्मस्तो धर्मस्ततो जयः, ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद करनी, भारत से रक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी, ठीक है, ये सारी चीजें आप देखते रहिए, करते रहिए, तभी आपको हो पाएगा, आपको करना पड़ेगा भाई। देखो पैटर्न ये आप कितना भी रट लीजिए, देखो हम भी रट रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे आपको समझ नहीं आएगा, कुछ भी कर लीजिए आप, बिना थ्योरी के कुछ नहीं होगा। खासकर आप चिरंतनी बुक ले लीजिए, कितनी बहुत बार बता चुका हूँ, चिरंतनी बुक ले लीजिए, बहुत लोगों ने ले लिया, क्योंकि देखो उसमें यह है कि आपको ना एक साथ और एक ही जगह पे पूरा सिलेबस मिल जाएगा, कहीं पे ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ले लिया है और आपने अपने सिलेबस में जितने भी बुकें लगी हैं उसे पढ़ लिया, आपका क्लियर हो जाएगा और अच्छे नंबर भी आ जाएंगे, ठीक है। तो यार चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसी तरह के क्वेश्चन सभी बनते हैं, और इसका पैटर्न अलग है, मैंने ही बता, थोड़ा अलग हुआ है, क्योंकि लिखने वाला इसमें 40 नंबर का नहीं है, क्योंकि 20 नंबर का व्याकरण का पढ़ा दिया, 20 नंबर का शिक्षण अभिरुचि जो उसके अंदर ही देता था सामान्य ज्ञान वाले में।